आप देखो इंसानियत के नाते में उधर गया, मैं लोगों की मदद करने के लिए गया, मेरे हाथ के ऊपर घाव हो गए, दवाई लगाइए, ये मेरे हाथ जो है लोगों की मदद करने के लिए हमेशा मैं भागते रहता हूं। तो सर आपको भी पता है स्वप्निल डिकुना जो है वो बहुत पागल इंसान है, और इतिहास जब होता है घटता है तो पागल लोग ही बनाते हैं उसको, पागल लोग ही इतिहास घट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों हमारे साथ में मौजूद है इस समय स्वप्निल डिकुना, जो मनसे पार्टी के नाविक सेना के कार्याध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। मनसे पार्टी में पहले से काम कर रहे हैं और अभी नाविक सेना के कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र लेवल पर नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जो दो दिनों तीन दिनों से हम मामला देख रहे हैं वसई के वाजीवली में जो हादसा हुआ था, और पहाड़ गिरने से भूस्खलन होने से जो दो मौत हुई थी, उस पर नए नए खुलासे सामने आए थे। उस खुलासे के बाद में प्रशासन ने दबाव में दो FIR जरूर दर्ज की, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी सवाल उठाया कि वो FIR दर्ज किया मजाक किया मौत का, या सवाल फिर से है मेरा कि क्या प्रशासन ने मजाक किया, तो इसमें जो नया खुलासा सामने आया वो नया खुलासा ऐसा है कि जिसके जिसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है वो आदमी वो औरत 2009 में ही मर चुकी है। तो इस बारे में स्वप्निल डिकुना और इनकी पार्टी के थाने जिलाध्यक्ष अविनाश यादव आज आए थे, उन्होंने महानगर पालिका की मैडम नीलम निजाई से कुछ सवाल जवाब पूछे थे, और उसके बाद में स्वप्निल डिकुना ने अपना एक वीडियो पब्लिश किया था। उन्होंने ये उसमें ऐलान किया है कि उस मामले पर उपोषण करने वाले हैं। तो इस पूरे मामले पर इनसे चर्चा करते हैं। करतो पुन्हा एकदा की तुम्ही योग्य रीत्या याच्यामध्ये कारवाई करा, अन्यथा आपले मुख्यमंत्री जे आहेत एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या कानावर ही बाब घालण्यासाठी मी स्वतः त्यांच्या घराच्या बाहेर पाऊस असू दे काहीही असू दे मी उभा राहील, कितीही दिवस उभं राहायला लागला तरी चालेल, जिथपर्यंत ते मला बोलून सर्व प्रकरण समजून घेत नाही तिथपर्यंत मी उपोषण करणार। नमस्कार। नमस्कार। संदेहजनक क्या आहे? सबसे पहिले हम शुरुआत यहां से करें। सर सबसे पहले जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना होने के बाद मेरा सबसे पहला वीडियो जो आया उसके अंदर अगर आपने दिया रहेगा देखा रहेगा कि मेरी मांग जो थी वो महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार और पालघर जिले के कलेक्टर इनके ऊपर मैंने FIR की मांग की थी। क्यों? क्योंकि वो जगह के ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सालों से उसके ऊपर कंप्लेंट दाखिल की जा रही है, लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त और कलेक्टर इनकी तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कंप्लेंट देने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है और ऐसी दुर्घटना होती है तो इसमें गलती जो है वो महानगर पालिका की है, क्योंकि अवैध बांधकाम के ऊपर ध्यान रखना महानगर पालिका का काम है। चलो वो सब ठीक है, दो आदमी मरने के बाद, एक 14 साल की लड़की मरी और उसके पिताजी, बहुत दुखद घटना है, लेकिन उनके मरने के बाद महानगर पालिका प्रशासन को अचानक से नींद खुलती है, फिर वो जाते हैं और वाली पुलिस स्टेशन में FIR देते हैं। तो इतने सालों से महानगर पालिका का ध्यान किधर था? चलो इनके मरने के बाद भी कार्रवाई, एक इंसानियत के नाते आप ठीक से कार्रवाई तो करो, लेकिन इसमें भी ये लोग अवैध विकासकों को बचाने के लिए दावपेच खेल रहे। दावपेच क्या खेल रहे है? ये लोग ने जो FIR किया है, प्रभाग समिति जी जो निजाई मैडम आप जो बोल रहे हो, उन्होंने जो FIR किया है वो सबसे पहले मरी हुई औरत के नाम से FIR किया है, और वो जो FIR जो किया है मरी हुई औरत के नाम से, उनका नाम है मेरी फेलिक्स ग्रेशियस, उनका डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है। उनका डेथ हुआ 30/9/2009 को। अभी बताओ मेरे को सर, अगर जो औरत मरी हुई है उसके नाम से MRTP का FIR कैसे होगा, और 304 के अंतर्गत मरी हुई औरत के ऊपर FIR कैसे होगा? तो मरी हुई औरत के ऊपर FIR करने का, कोर्ट में जाने का, मरी हुई है करके स्टेटमेंट देने का और FIR को रफा दफा कर देने का कोर्ट के अंदर, मतलब आप ये सीधा आरोप लगा रहे हो कि जान बूझ कर किया गया? सर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यही महानगर पालिका के सब लोग चोर है। मैं बोला, मैंने एक वीडियो बनाया, ये हाथ देखो, इंसानियत के नाते में उधर गया, मैं लोगों की मदद करने के लिए गया, मेरे हाथ के ऊपर घाव हो गए, दवाई लगाइए, ये मेरे हाथ जो है लोगों की मदद करने के लिए हमेशा मैं भागते रहता हूं, और ये महानगर पालिका के अधिकारी जो अपने मुंह के ऊपर काली पोत के बैठे हैं उधर, पैसा खा खा के पता नहीं क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन
लोगों के लिए बना हुआ है या प्रशासन उधर बैठ के पैसे खाने के लिए हफ्ते वसूल करने के लिए बैठा है? इंसानियत नाम की चीज नहीं है सर। और जो एफआईआर किया है एमआरटीपी के अंतर्गत उसके अंदर एक दो नाम ऐसे है, देखो ये मितवा रियल्टर्स को इंक्लूड नहीं किया एफआईआर के अंदर, फिर अजीत राय साहब सिंह ये सब नाम है श्रीमत, फिर उसके अंदर सुरेंद्र अलगू सिंह करके नाम है एफआईआर में। ये सुरेंद्र अलगू सिंह के ऊपर तो चार चार एफआईआर है एमआरटीपी का। मतलब आपके पास जो जमीन के दस्तावेज उसमें इन सब के नाम है लेकिन एफआईआर से इनको अलग रखा गया। एफआईआर में नाम ही नहीं डाला है इन लोगों का। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो खुद मैंने वो प्रभाग समिति जी की जो सहायक आयुक्त है निजाई मैडम उनके पास से मैंने लिया है। और इसके अंदर जितने नाम है उनका नाम डाला ही नहीं है एमआरटीपी के अंदर। ये सब मेहनाज बानो इराम ईरान अली हाशमी इसका तो नाम ही नहीं है एफआईआर के अंदर। ये लोगों ने सब लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है। और इसके अंदर जब मैडम को पूछा गया कि आपने मरी हुई औरत के नाम से एफआईआर क्यों दिया तो उनका स्टेटमेंट ये था कि उनका अकेले का नाम था डॉक्यूमेंट पे, इसके लिए हम लोगों ने उसका नाम स्टेटमेंट में डाला। अकेले का नाम किधर है? उसके अंदर मालक के तौर पर ये भी है कार्मेल जी अल्फांसो मैरिलिन रिचर्ड पोलासो क्रिस्टीन विलियम ग्रेशियस विक्टर ए ग्रेशियस ये इन सब लोगों के नाम है। देखो जोसेफ अंतोन ग्रेशियस सावियो ए ग्रेशियस इन सब लोगों के नाम है, इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला है? तो इसका मतलब यही होता है ना कि महानगर पालिका को तो किधर ना किधर ये अवैध बांधकाम करने वाले जो विकासक है इनके साथ संगनमत करने का है, इनसे पैसे वसूलने है। इसके लिए मरी हुई औरत का नाम डालो, कोर्ट में डालो, कोर्ट में स्टेटमेंट दे दो औरत मर गई है और केस उधर ही रफा दफा खत्म। जैसा कि अभी स्वपन जी ने खुलासा किया ये डॉक्यूमेंट सामने है, डॉक्यूमेंट बता रहे कि किस तरह से एक औरत मरी हुई उसके ऊपर इन्होंने गुनाह दाखिल किया और उसको आरोपी बनाया जो पहले से ही 2009 में मर चुका है, उसने 2022 में क्राइम किया ये बताया जा रहा है। तो बड़ी शर्मनाक ये बात है कि जिस तरह से यहाँ पे वसई विरान में होता है। आपने जो अपनी बात कही कि आप कुपोषण करने वाले हो तो किस मुद्दे पे करेंगे, उसमें आपकी मांग क्या है? सर देखिए जो सबसे पहली बात है कि हमारे नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब अच्छा काम करते हैं लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है वसई विरार के ऊपर भी ध्यान देना क्योंकि वसई विरार भी महाराष्ट्र के अंदर आता है और सालों से वसई विरार के अंदर अवैध तरीके से बांधकाम हो रहे है और उसके ऊपर इनको जो सपोर्ट कर रहा है जो महानगर पालिका के आयुक्त भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो एकनाथ शिंदे साहब के पास मैं इसलिए जाना चाहता हूं, इसलिए उपोषण करना चाहता हूं कि उनको बताना चाहता हूं कि वसई विरार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार चालू है और ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हमारी हरित वसई जो है उसको बचाने के लिए हम नौजवान पीढ़ी आगे आ रही है और ये हरित वसई की उधर आयुक्त के कुर्सी पे बैठ के अवैध बांधकाम करके वाट लगा रहे पूरी, किधर देखो उधर अनधिकृत बांधकाम कर रहे, नाले के ऊपर कर रहे, नाले के ऊपर भी मैंने विषय उठाया था नैसर्गिक नाले के ऊपर अनधिकृत बांधकाम, किधर सरकारी जमीन के ऊपर अनधिकृत बांधकाम, शासन की जमीन के ऊपर अनधिकृत बांधकाम। तो आयुक्त जो है वो लोकसेवक है, वो मतलब हिटलर शाही देख रहा है इधर बनाने के लिए वसई विरार में, जिधर देखो उसकी मनमर्जी के हिसाब से वो जिधर चाहे उधर अनधिकृत बांधकाम बना सकता है। तो ये सब बंद होना चाहिए, इसके लिए मैंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये सब के ऊपर योग्य रीति कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके घर के सामने जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि वसई विरार में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका ध्यान इधर होना चाहिए, इसके लिए मैं अनशन करने वाला हूं। कितने दिन का आपने अल्टीमेटम दिया है? अभी देखते हैं पुलिस वाले अगर योग्य तरीके से कार्रवाई नहीं करते। देखो सर आपको भी पता है स्वप्निल डिकुना जो है वो बहुत पागल इंसान है और इतिहास जब होता है घटता है तो पागल लोग ही बनाते हैं उसको, पागल लोग ही इतिहास ये करते हैं। तो मैंने अगर बोल दिया तो करने की भी हिम्मत मेरे में है, मैंने बोला था आयुक्त को चप्पल का हार लेके जाऊंगा, मैं गया लेके, तो मैं जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं, मैं कभी ऐसा ये नहीं बोलूंगा ऊपर ऊपर दिखाने के लिए दूसरे लोगों की। और दूसरी बात इसके अंदर वसई विरार के नगर सेवकों का भी हाथ है, उनकी जवाबदारी है कि वो लोक प्रतिनिधि है तो उनको उधर अपने एरिया में ध्यान देना चाहिए। उनके एरिया में करोड़ों स्क्वायर फीट का बांधकाम हो रहा है इलीगल,
और वो इलेक्शन के लिए कैसे खड़े हो रहे हैं जबकि महाराष्ट्र शासन ने नियम निकाला है कि कोई भी नगर सेवक उसके अंतर्गत अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होएगा, फैमिली का कोई भी इन्वॉल्व रहेगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये करोड़ों स्क्वायर फीट का बांधकाम जो हो रहा है वो इनके निर्देशन में नहीं आ रहा है क्या? तो ये आपने देखा किस तरह से स्वप्निल लिकुना जी जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि अगर प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं करती है तो वो आगे चल के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर अपना उपोषण करने वाले हैं। तभी आगे वक्त में देखा जाएगा कि इसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है, प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, वो वक्त आगे आएगा तभी मालूम पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।